तो अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम तो कल हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा वही मैं आज बता रहा हूँ आपको लेकिन आज केवल दो मास के लिए एम वन और एम टू दो मास हैं उनके लिए बता रहा हूँ तो कुछ फॉर्मुले आएंगे उनको हमें याद रखना है इसलिए आपको स्पेशल ये वाला केस बताया जा रहा है जिसमें केवल दो ही मास हैं ठीक ताकि आपको बार बार निकालना ना पड़े इसको पूरा आप तुरंत फॉर्मला लगा के इसको सॉल्व कर सके तो मान लीजिए दो मास हैं M1 वन एंड एम टू यहाँ पे है M1 और यहां से कुछ दूरी पर है M2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D ठीक है आपको बता रहे फाइन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल वन एंड पार्टिकल टू यानी कि मास एम वन और एम टू से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है चलिए तो क्या करें हम जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि जिस भी मास से आपको डिस्टेंस निकालनी है उसको ऑरिजिन मान लो ठीक है भैया इसको ऑरिजिन मान लिया उससे क्या होगा कि वहीं से कोऑर्डिनेट आएंगे फिर वहीं से डिस्टेंस निकाल लेंगे वैसे हम किसी को भी मान सकते हैं ओरिजिन कोई दिक्कत नहीं है तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस एम वन हो गया जीरो कॉमा जीरो तो एम टू हो गया डी कॉमा जीरो अब मैं लिखूंगा एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर फॉर्मूला होता है एम वन एक्स वन प्लस तो ये हो जाएगा एम वन एक्स वन है जीरो प्लस एम टू एक्स टू एक्स टू है डी मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस मास का डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू तो यहां से एक्स सेंटर ऑफ मास आया एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू और अगर मैं यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास निकालता हूं जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मतलब तो आएगा करके देख लो एम वन एम वन इंटू जीरो प्लस एम टू वाई टू एम टू इंटू जीरो जीरो अपॉन एम वन प्लस और ऐसा देखने से भी पता लग रहा है क्योंकि एम वन एम टू इस लाइन में है अगर दो मास हैं तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों मासस को मिलाने वाली लाइन पर ही आता है अगर दो मास हैं, दो पॉइंट मास है तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों को मिलाने लाइन पर ही आता है और कहा आता है बड़े वाले मास की तरफ आता है मतलब बीचों बीच में नहीं आएगा बीचो बीच में कब आएगा जब एम और एम बराबर हो जाएंगे देख लो यहाँ पे अगर m1 और m2 बराबर हो गए तो ये आंसर कितना आ जाएगा d वाई टू उस केस में बीचो बीच में आएगा अदरवाइज उस तरफ आएगा जिस तरफ ज्यादा वजन है ज़्यादा मास है उस तरफ आएगा, ठीक है? तो मान लिया हमने कि सेंटर ऑफ़ मास यहाँ आया कहीं, ये सेंटर ऑफ़ मास आया C O M, और उसकी M1 से दूरी, सेंटर ऑफ़ मास की M1 से दूरी मान लेते हैं R1, और M2 से दूरी है R2, ठीक है? वैसे हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट आए, x सेंटर ऑफ मास तो कोऑर्डिनेट कहाँ से आए कोऑर्डिनेट हमेशा मूल बिंदु से आते हैं ओरिजिन से आते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए ये आ गए m2d m1 m2 तो बेसिकली डिस्टेंस किससे आ गई m1 मां से डिस्टेंस आ गई इसकी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तब भी यही आ जाएगी तो अब अपना रिजल्ट लिख देते हैं हम हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि डिस्टेंस फ्रॉम m1 डिस्टेंस फ्रॉम m1 distance of center of mass from m1 distance of center of mass from m1 बराबर कितनी आ गई m2d upon m1 plus m2 मतलब ये r1 आ गई है ना इसी को ही तो r1 लिखा था Yes सर इसको लिखा था हमने r1 ऊपर आर वन बराबर आ गया एम टू डी अपन एम वन प्लस डिस्टेंस तो अगर मैं निकालना चाहूं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एम टू दैट इज इक्वल टू आर टू तो आर टू कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस है डी डी माइनस आर वन तो मैं जब d माइनस आर वन करूंगा तो वो आएगा एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू तो यहां से हम क्या सीखे यहां से हम सीखे कि देखो अगर दो मास हैं उनके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एम वन से निकालनी है मतलब एम वन से निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास की एम वन से दूरी कितनी आई एम टू इंटू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है तो मतलब जिससे दूरी निकालनी है उससे दूसरा वाला मास लेना है जिस m1 से दूरी निकालनी है तो कितना है m2 into d upon m1 plus m2 और यहाँ जब डिस्टेंस m2 से निकाली तो कितनी आई m1 into d upon m1 plus m2 मतलब जहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है जिस मास से उससे दूसरा वाला मास लो टोटल डिस्टेंस m1 m2 के बीच में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास ये फार्मूला हो गया और क्या सीखे है? हम देखो d अपॉन एम एन प्लस एम टू तो ऊपर भी है d अपॉन एम एन प्लस एम टू नीचे भी है तो कौन सी दूरी ज्यादा होगी जैसे अगर m2 ज्यादा हुआ देखो यहाँ पे दो मास है m, m M1, m2. तो किससे दूरी ज्यादा होगी या फिर ऐसे बोल दू कि सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा पास होगा तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा पास होगा जिसका मास ज्यादा है कैसे मैं आपको बताता हूं जैसे मान लो हमने किया आर वन अपॉन आर टू आर वन अपॉन आर टू तो आर वन ये निकाला तो ये डिवाइडेड बाय आर टू ये निकाला जब मैं डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे डी अपॉन एम वन प्लस एम टू कट जाएगा ये बचेगा एम टू अपॉन एम वन ये बचेगा एम टू अपॉन एम वन मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है देखो तो मतलब आर वन ज्यादा होगी अगर एम वन कम होगा तो इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कंक्लूजन ये निकलता है सेंटर ऑफ मास लाइक मास ज्यादा मास के पास होगा सेंटर ऑफ मास तो यहां से यह रिजल्ट निकला कि सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा जिस तरफ ज्यादा मास होगा ज्यादा मास की तरफ होगा ठीक है और दो पॉइंट दो मासेज हैं दो पॉइंट मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा उन दोनों वाली उन दोनों मासस को मिलाने वाली लाइन पर होगा हमेशा ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ठीक है तो ये लिख दिया मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स लाइज ऑन द लाइन द पार्टिकल्स एंड समवेयर बिटवीन दम उनके बीच में कहीं होगा और सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू दी मास ज्यादा भारी वाले मास की तरफ होगा और एक चीज मैं दिखाता हूं जैसे यहाँ देखो कि हमेशा एम वन इंटू आर वन जैसे M1 into R1 करूंगा तो कितना होगा? तो यहाँ दिख रहा है मैं ये है इसको M1 से करूंगा तो कितना बन जाएगा एम वन एम टू डी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस बराबर होगा एम टू आर टू के यहीं से पता लग गया हमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा मतलब एम वन आर वन क्या है सेंटर ऑफ मास की एम वन से दूरी आर वन क्या है सेंटर ऑफ मास की एम वन से दूरी तो एम वन इंटू आर वन इज इक्वल टू एम टू इंटू आर टू ठीक है तो ये कुछ बातें हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मार्टिकल सिस्टम से रिलेटेड जो हमें याद होनी चाहिए ठीक है इतनी सी बात है बस तो इसमें आर वन आर टू इंपॉर्टेंट है इस तरीके से देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं चलिए तो एक टू मास पार्टिकल सिस्टम आपके सामने दिया गया है इसमें दो मासज हैं एक ये तो यहाँ रखा है दस किलो का और एक यहाँ है पचास किलो का दोनों के बीच में डिस्टेंस है बारह मीटर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम टेन के जी एंड फिफ्टी के जी तो ये क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम टेन के जी मास फिफ्टी के जी मास फिफ्टी के जी और टेन के जी से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है चलिए चेक करते हैं तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ फाइव के जी से तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि जहां से डिस्टेंस निकालनी है जिस मास से सॉरी फाइव नहीं टेन के जी लिया है मैंने तो डिस्टेंस फ्रॉम टेन के जी तो जहां से डिस्टेंस निकालनी है जैसे 10 के से डिस्टेंस निकालनी तो दूसरा वाला मास लो तो कितना लोगे 50 इन टू डी डी का मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 12 डिवाइडेड बाय एम वन प्लस तो ये आ गया 50 इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 60 तो ये आ गया 10 मीटर तो यहां से 10 हो गई तो वहां से ऑटोमेटिक पता लग गया हमें कि के केजी से कितनी हो जाएगी 2 मीटर आप चाहो तो सॉल्व कर लो इसको तो ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा 2 मीटर मतलब मतलब क्या इससे क्या सीखे इससे ये सीखे कि ये जो आपके सामने ये सिस्टम बना हुआ है ना ये तो इसकी जगह पर मतलब यहाँ पे 50 के का मास हटा दें यहाँ पे 10 के का मास हटा दें समझ हो ये मास मैंने हटा दिए उसकी जगह पर जैसे इनका नाम रख दू मैं फर्स्ट मास सेकंड मास इन दोनों मासस को हटाकर हम यहां से दस मीटर की दूरी पर जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहां पर कितना किलो रख सकते हैं साठ किलो मास रख सकते हैं ये हो गया इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रखा है दस किलो इसको हटा दिया 50 किलो को हटा दिया इन दोनों को हटाकर यहाँ जो सेंटर ऑफ मास आया है वहां पे 60 किलो रख सकते हैं ये होता है सेंटर ऑफ मास का मतलब तो जैसे पुराने सवाल वहां पे भी यही मतलब है कि तीन अलग अलग पॉइंट थे उन पॉइंटों का सेंटर ऑफ मास से मतलब उनका सभी जगह से मास हटा के टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन है फाइन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कॉर्नर वन ये कॉर्नर वन है यहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा पहले वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास फिर कोऑर्डिनेट आएंगे फिर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर ऑफ मास के फिर यहाँ से उसकी डिस्टेंस निकाल देना करो तो पहले आप क्या करोगे सभी के कोऑर्डिनेट देखो मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं एक तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक तो तरीका है ही आपके पास कोऑर्डिनेट वाला कि आप ऐसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें और सभी के कॉर्डिनेट लिखे कॉर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉमा जीरो फिर इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट इसके कॉर्डिनेट सबके कोऑर्डिनेट में बता दूंगा आपको एक तो वो तरीका है ही आपके पास एक्स सी ओ एम और वाई सी ओ एम निकाल के एक आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं अपन कैसे देखो दिमाग कैसे लगाने बोल रहा हूँ मैं देखना ध्यान से है ना आसानी ऐसे कुछ खास बात है नहीं देखो ये एक रेगुलर हेक्सागन है तो इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ होगा कहीं सेंटर है ना बीचो बीच वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सभी डिस्टेंस बराबर है इसका सेंटर अब देखना कि ये यहाँ पे 2M मास है, अच्छा होता है ये वाली, डिस्टेंस भी ए, होती है, ये वाली डिस्टेंस भी ए होती है ये वाली डिस्टेंस भी ए होती है ये आपको पता है नहीं पता मुझे नहीं पता लेकिन मैं बता रहा हूं अब ये सारी डिस्टेंस ए ए ऐसे होती है ये सभी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ऐसे होते हैं है ना तो मतलब अगर मैं देखूं कि टू एम और टू एम ऐसे देखो मैं कोने कोने में तो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है टू ए वैसे यहां एम और एम के बीच में देखू तो टोटल डिस्टेंस कितनी है टू ए वैसी यहां टू एम और टू एम के बीच में देखू तो टोटल डिस्टेंस कितनी है टू ए है ना अब ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले कि ये जो मास है 2m और ये जो मास है टू मैं कोऑर्डिनेट वाला मेथड नहीं कर रहा हूँ मैं अलग मेथड कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे मासेस दिख रहे हैं दो 2m और 2m अगर केवल ये दो ही मास होते तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता बीचों बीच आता क्योंकि देखो यहाँ पे भी मास टू एम है दोनों मास बराबर हैं और यहाँ से आता की लेंथ ए और ए टू है तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आता इन दोनों मासेस का आता या नहीं आता yes. वैसे ही अगर मैं ये दोनों मासेस देखूं एम और एम ये भी दोनों सेम मास हैं इनको मिलाने वाली लाइन ये है तो सेंटर ऑफ मास बीच, बीच में आता है ये ए और ए तो बीच, बीच में यहाँ पे आता सेंटर ऑफ मास मतलब ये एम, ये एम, ये एम, और ये टू एम का चारों का मिलके सेंटर ऑफ मास कहा आएगा यहाँ आएगा इस पॉइंट पर ठीक कैसे निकाला मैंने देखो दोबारा ये टू एम और टू एम का सेंटर ऑफ मास यहाँ आया इस एम और एम का सेंटर ऑफ मास भी सेम उसी पॉइंट पे आया ठीक है इस 2m और इस m का सेंटर ऑफ मास इस बीच वाले पॉइंट पर नहीं आएगा क्योंकि इधर ज्यादा मास है इधर कम मास है तो थोड़ा सा इधर सक जाएगा मतलब ध्यान से देखना मैं ऐसे कर सकता हूं इसको कि एकदम बीचो बीच वाला जो मास है बी, बीचो बीच वाला सेंटर है ये यहाँ पे किस किस का सेंटर ऑफ मास आ गया यहाँ पे इस 2m का m का 2m का और m का सेंटर ऑफ मास बीचो बीच वाले पॉइंट पर आ गया यानी के ध्यान से देखना मैं क्या कर सकता हूँ कि यहां से इस टू को हटा सकता हूँ यहाँ से इस एम को हटा सकता हूं यहाँ से इस टू को हटा सकता हूँ सकता हूं और इन सभी की जगह यहाँ पे center of mass, इनके कितना मास टू एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सिक्स एम मास रख सकता हूं, हूं यहाँ बीच में ठीक है अब मेरे पास इस सिस्टम में कितने मास रहेगा तीन ही मास रहेगा टू एम सिक्स एम और एम भाई इन चारों का तो मैंने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया उन चारों को हटा के मैंने यहां रख दिया 6M. अब मुझे केवल इन तीनों का निकालना है इन तीनों का जहां आएगा वहां आएगा और फिर वहां से उसकी मैं दूरी वगैरह निकाल लूंगा ठीक है चलो तो अब जो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास ये तीनों एक ही लाइन पे है तो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे कहीं आना चाहिए ठीक है चलो तो मेरे को सबके कोऑर्डिनेट नहीं लिखने पड़े अब केवल इन तीनों के कोऑर्डिनेट में लिखूंगा अब मैं वो वाला मेथड का लेता हूँ कोऑर्डिनेट वाला हम तो कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ इनके ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए जीरो कॉमा जीरो इस पॉइंट के अब मुझे केवल इन तीन पॉइंट के कॉर्डिनेट लिखना है एक तो इसका लिखना है अच्छा और एक बीच वाले का लिखना है और एक इसका लिखना है अच्छा अगर बाई चांस मैंने वो तो जानबूझ के टू एम और एम दिया थोड़ा टफ करने के लिए अगर मान लो ये टू एम और ये भी मैं मास टू एम दे देता तब तो कितना आसान हो जाता इस टू एम और इस टू एम को हटा के भी मतलब इनका सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच में आ जाता मतलब इन दोनों का भी यहाँ आ गया इन दोनों का यहाँ आ गया दोनों मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता एकदम बीचों बीच में और बस मुझे इसके कॉर्डिनेट फाइन करने पड़ते ये डिस्टेंस निकालनी पड़ती आंसर आ जाता लेकिन अभी मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा अलग दे दिया तो हमें इन तीनों का सेंटर मास निकालना पड़ेगा ठीक है करो तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे सबके कोऑर्डिनेट बता दो आप मेरे को इस मास M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे देखते हैं कोऑर्डिनेट निकालना आप जानते हो कि नहीं इसके कोऑर्डिनेट कमेंट करके लिख के बताओ इस मास के कोऑर्डिनेट ये आपके सामने ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल आपको पता होने चाहिए इसके कोऑर्डिनेट बताओ कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आते हैं अकेला एक्स नहीं आता तो मैं ही लिख देता हूं तो भाई एंगल कितना होता है ये वाला एंगल होता है 60 डिग्री ठीक है तो ये लेंथ और ये लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया ए तो ये हो गया ए कॉस 60 यानी कि ए इंटू वन और ये हो गया ए साइन सिक्सटी

एक्स कॉर्डिनेट ये हो जाएगा y coordinate ये ये हो 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 जाएगा। तो 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 कितना हो गया? गया और y coordinate इसी की में आएगा। तो तो इसके आ गए A 2, comma, root 3 A 2. अब पता दू। इस मास के क्या होंगे तो वैसे जैसे यहाँ के निकाले थे हमने वैसी कि ये वाला एंगल हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ये लेंथ ए है तो

तो यहाँ पे आपको इन सबका नहीं लिखना पड़ेगा बस इन तीन मासिस का लिखना पड़ेगा है ना तो एम वन एम टू और एम थ्री इस तरीके से कर लेते हैं एम वन एम टू और एम थ्री तो सबसे पहले लगाऊंगा मैं एम वन तो इसका मास कितना है देखो 2M. तो 2M वही डालने आपको नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस सिक्स एम इन टू ए बाई टू प्लस एम इंटू थ्री ए बाई टू ये हो गया एम वन एक्स वन प्लस एम वन एम वन एक्स वन प्लस एक्स थ्री करना है टू एम प्लस सिक्स एम प्लस एम इस तरीके से आपको x सेंटर ऑफ मास मिल जाएंगे और y सेंटर ऑफ मास मिल जाएंगे टू एम इन टू रूट थ्री ए बाई टू प्लस सिक्स एम इन टू रूट थ्री ए बाई टू प्लस एम इन रूट थ्री ए बाई टू सेंटर ऑफ मास आ गए अभी ये आंसर नहीं है हमसे क्या पूछा था हमसे पूछी थी डिस्टेंस हमसे पूछी थी डिस्टेंस तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस बराबर अंडर रूट ऑफ एक्सुएम का स्क्वायर प्लस वाई सी एम का स्क्वायर ये जो भी आएगा दैट इज द आंसर आंसर ये answer हो जाएगा ठीक है अच्छा आप बोले कि सर ये तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये टू एम और आपने ये अप्रोच लगा दी तो 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 पूरा सवाल होता तो कैसे करते तो कोई दिक्कत नहीं है आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसका इसका कोऑर्डिनेट तो लिखना मैंने सिखाई दिया इसका कोऑर्डिनेट आपको जीरो जीरो पता ही है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है ए कोमा जीरो वैसे ही आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते देतेमा रूट थ्री ए और ऐसे इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल देते जीरो कॉमा रूट थ्री ए तो सभी छओ के कोऑर्डिनेट पता लग गए आप छः लिखते टर्म वो भी तरीका सही है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बस ये आपको अप्रोच बताने के लिए कि ऐसा भी किया जा सकता है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया इसको वरना मैं छः लिख के भी कर सकता था वो उसमें भी लगभग यही टाइम लगता है ऐसा कोई खास अंतर नहीं आता समय में ठीक है देखो एग्जांपल सुनो तो क्या है कि दो मास वन और एम टू कुछ दूरी पर इस तरीके से रखे हुए हैं एक लाइन में कुछ दूरी पर एम वन एम टू रखे हुए हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा कहीं जिसकी हम आराम से दूरी वगैरह निकाल सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सीखा है हमने अभी अब ये बोल रहा है कि अगर एम वन को हमने राइट right साइड में एक्स सेंटीमीटर या एक्स मीटर खिसका दिया तो राइट right साइड में अगर एक्स हमने इसको खिसका दिया मतलब अब ये जो एम वन है खिसक के यहाँ आ गया मतलब अब ये कुछ सिस्टम इस तरीके से बन गया है ना तो है कि सेंटर ऑफ़ मास अब पहले था मान लो पहले सेंटर ऑफ़ मास था तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रहेगा वो कुछ इधर या उधर खिसक जाएगा तो यही सवाल है बस कि सेंटर ऑफ मास को यहीं आना है तो बताओ एम टू को कितना और किधर खिसकाना पड़ेगा एम टू को या तो इधर या इधर खिसकाना पड़ेगा तो यही पूछना है यही पूछा गया है कि अगर एम वन एक्स राइट साइड में खिसक जाता है और सेंटर ऑफ मास को वही रखना है तो एम टू को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर m2 को शिफ्ट नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा तो सवाल यह है कि सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना है सेंटर ऑफ मास वहीं आना चाहिए तो m2 को कितना शिफ्ट करें और किधर शिफ्ट करें यह भी है सवाल की. कितना और किधर शिफ्ट करें है ना तो बड़ा ही अच्छा सवाल है देखो कैसे करते हैं इसे तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता दूं कि देखो ऐसे था ये सिस्टम है यहाँ पे एम वन एम टू रखे हुए थे बट हमने क्या किया एम वन को यहां से खिसका दिया एक्स इधर की तरफ मान लो इतना खिसका दिया इसको एक्स ठीक है एम वन को खिसका के हम यहाँ ले आए ठीक है बट जो सेंटर ऑफ मास है मान लो सेंटर ऑफ मास यहां था पहले अब हमने इसको एक्स इधर खिसका दिया एम वन को लेकिन हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहीं आए सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हम नहीं चाहते कि किसके सेंटर ऑफ मास एज इट इज वही होना चाहिए तो एम टू को अब कितना खिसकाना है और किधर खिसकाना है मान लो एम टू को हमने कहीं खिसका दिया इधर इधर कहीं खिसका दिया हमें नहीं पता किधर खिसकाया हमने मान लो मैंने तो मान लिया इधर की साइड मान लिया कि एम टू को मैंने यहाँ खिसका दिया ठीक तो एम टू को कितना खिसका दिया अपनी जगह से हमने एम टू को हमने एक्स टू खिसका दिया तो ये एक्स टू निकालना है हमें बेसिकली ये सवाल है कि एक्स टू निकालो कि आपने एम टू को कितना खिसका दिया है ना तो देखो कैसे करेंगे समझ में आया सवाल ये सवाल है अब नई पोजीशन एम वन की ये रही और एम टू की ये रही। तो X1 तो गिवन है आपको ये वाली चीज तो आपको गिवन है ये वाली चीज आपको फाइंड करनी है बस इतना ही दिया हुआ है सवाल में तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या X सेंटर ऑफ मास बराबर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस तो मतलब मैं अगर उस m टोटल को ऊपर ले जाऊं तो ऐसा कुछ बन जाएगा कि m टोटल टोटल मास इनटू एक्स सीओएम बराबर मेंन एक्स वन प्लस मेंन टू एक्स टू प्लस अब टोटल सोन जितने भी हैं ऐसे चलते रहेंगे है ना ये हो जाएगा भाई नीचे जो मेंन प्लस मेंन प्लस मेंन थ्री टोटल मास होता था उसको मैं इधर ले गया तो ये बन गया फॉर्मूला अब इसको अगर हम डिफरेंस या मैं बोलू

प्लस एक्स टू प्लस अप टू टोन जितने भी हैं सभी तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब समझो डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन बता रहा है ना इसलिए यह क्या हो गया डेल्टा का मतलब होता है चेंज एक्स पोजिशन है तो चेंज इन पोजिशन हो गया है? है ना तो ये बोल रहा है चेंज इन पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्सन का मतलब है चेंज इन पोजिशन चेंज इन पोजिशन ऑफ द मास टू इस तरीके से तो ये फॉर्मूला बन गया तो ये फॉर्मूले में तो पोजीशन है इसको इन पोजीशन तो में ये फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पे देख रहा है आपको एक शिफ्ट कर रहे हैं मतलब एम वन की पोजिशन में कितना चेंज हुआ है एक्स चेंज हुआ है M2 की पोजिशन में चेंज कितना हुआ? ये एम निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजिशन में कितना चेंज हुआ है अरे यही तो बोला है कि सेंटर ऑफ मास की पोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम देखना हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आप चाहो तो formula, मैं मैं तो इसको याद रखता हूँ ठीक है आप चाहो तो जो फॉर्मूला बनेगा आप उसको भी याद रख सकते हो ठीक है अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन का यूज करना है क्योंकि आपको पता है चेंज इन पोजिशन में अगर आगे की साइड हुआ है चेंज मतलब इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली है तो अगर इस डायरेक्शन में हुआ है तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हुआ है, तो नेगेटिव यही लेता है अपन तो डायरेक्शन का मतलब विशेष ध्यान रखना है डायरेक्शन के साथ आपको लिखनी है चीजें तो हम जनरली आगे की साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं ठीक चलिए तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूं एम टी डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास तो कितना हो गया जीरो बराबर एम वन तो एम वन में कितना चेंज हुआ आगे खिसक गया राइट right साइड लिखा है ना क्वेश्चन में राइट साइड खिसक गया आगे खिसक गया मतलब पॉजिटिव में एक्स वन तो एक्स वन प्लस m2 में कितना हमने माना है हमने आगे की साइड माना है उसको तो आगे पॉजिटिव तो इसको x2 लिख दिया अब हमेशा की तरह अगर x2 पॉजिटिव में आ जाए अभी यहाँ से वैल्यू डालेंगे ना कि x1 मान लो दो सेंटीमीटर है m1 की वैल्यू ये है m2 की वैल्यू सबकी वैल्यू डालेंगे x2 पॉजिटिव में आ जाए मतलब हमने जो माना वो सही माना मतलब वो m2 को आगे किस पड़ेगा और अगर हमने जो आंसर आएगा वो अगर नेगेटिव में आ जाए तो मतलब हमने उल्टा मान लिया ठीक तो यहां से हमने सॉल्व किया जीरो हो गया तो यहाँ से एक्स टू बराबर कितना निकल के आया ये निकल के आया माइनस डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स वन क्या है सॉरी यहाँ पे x1 क्या है m1 जितना किसका ठीक है और वैसे मैंने क्वेश्चन में इसको x ले रखा है तो आप इसको यहाँ पे x ही ले लो ठीक x ले लेते हैं ऐसे यहाँ पे हम x इस तरीके से आंसर आ गया बताओ इसमें अगर मैं मास की वैल्यू दे देता दे एक्स की वैल्यू दे देता दे तो आप आसानी से निकाल देते ना अगर मैं मास बोल देता मान लो फोर के जी है मान लो फाइव के जी है और ये इस साइड खिसका है मान लो टू मीटर तो आप सबकी वैल्यू डाल के इसकी वैल्यू निकाल देते कि मास को कितना खिसकाना पड़ेगा अच्छा इसको अपोजिट डायरेक्शन में किसका था तो एक्स को आप नेगेटिव डाल देते भाई इसी जो फॉर्मुला बना है उसमें एक्स को हमने इधर डाला है तो इसलिए मैं तो ये वाला याद रखता हूँ आपकी मर्जी आप क्या याद रखो आप चाहो तो ये वाला भी याद रख सकते हो लेकिन ये वाला ज्यादा सही है क्योंकि हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास को भी किसका है कितना खिसकाना पड़ेगा तो सेंटर ऑफ मास को भी खिसकाना पड़ेगा कुछ वाई रखना पड़ेगा तो वो अलग बन जाएगी इक्वेशन तो आपको ये चीज याद रखनी है ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है ये वाला ठीक है इसको मैं इसको आपको याद रखना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो वैसे निकालने जाओ वैसे निकालने जाओ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बहुत टाइम लग जाता है इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकालोगे तो तुरंत से निकल जाएगा ठीक तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिक्री डिक्रीट कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब पॉइंट मासिस का सेंटर ऑफ मास निकालना हमने सीखा

कंटिन्यूस मास सिस्टम है जैसे मान लो ये रॉड है अब रॉड कोई एक पॉइंट से तो मिलके बनी नहीं है ये तो लाखों करोड़ों अरबों या अनंत मान लेते हैं पॉइंट से मिलके बनी है तो यहाँ पे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम केवल एक एम वन मास का निकालें फिर एम टू का मतलब जैसे अपन वहां करते थे ना कि बहुत सारे मासिस होते तो सभी का कोर्डिनेट लिख लेते थे कहीं पे ऑरिजन मान लेते थे और फिर सभी के लिए एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस ऐसे करते थे एम वन प्लस एम टू प्लस ऐसे तो पॉसिबल नहीं है अनंत पॉइंट्स को कैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम सहारा लेंगे कैलकुलस का तो कैलकुलस में एक fun, एक ऑपरेशन होता है जिससे हम अनंत चीजों को जोड़ सकते हैं क्या इंटीग्रेशन तो हम यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे इंटीग्रेशन का तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो पहले एक्स सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला था एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री वो अब बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स डिवाइडेड बाय भाई नीचे टोटल मास आता आता था था ना तो देखो ऊपर जो सिग्मा आता था, या मास लेंगे हम किसी एक पॉइंट का लेंगे और उस से के मास को हम छोटा सा मास बोलेंगे जिसको हम डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं डीएम मतलब एक बड़े से कॉन्टिन्यूस मास का एक छोटा सा हिस्सा उस छोटे से हिस्से को हम एलिमेंट कहते हैं एक बहुत छोटा सा मास उसे हम डीएम से रिप्रेजेंट करेंगे और उस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट उस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये यह, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आप यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओरिजिन लोगे तो उस ओरिजिन में जो आपने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ आप क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट लिखोगे तो उस कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा जाएगा ठीक है ये हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास अभी मैं बताऊंगा आपको और अच्छे से कि क्या क्या है basically, है ना? अच्छा, तो y center of mass क्या हो जाएगा? बराबर भाई नीचे integration of dm का मतलब क्या है टोटल तो मास नीचे चाहो तो टोटल मास लिख दो चाहे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम लिख दो एक ही बात है और जेड सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू जेड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इस तरीके से हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पे डीएम का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एलिमेंट लेंगे जैसे यहाँ पे एलिमेंट लिया इस एलिमेंट का बेसिकली तो है मासमेंट ये लिख देता हूं सारी चीजें देखो यहाँ पे तो डीएम का मतलब क्या है डीएम इज एलिमेंट विच इज आएगी, समझा है उनमें जो एलिमेंट लेंगे उसका मास होगा डीएम अगर हमें उस पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है एक्सएम हमें निकालना है तो फॉर्मल होगा इंटीग्रेशन ऑफ DM into X divided by integration of DM. तो तो का 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 मतलब मतलब तो मतलब मतलब हो गया ठीक है 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 और DM का मतलब और ऊपर मैंने आपको दिया क्या एलिमेंट मतलब जो हम एलिमेंट लेंगे ना उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अब जैसे यहाँ पे तो ये जो मास हमने लिया है यहाँ पे डीएम ये तो छोटा सा खुद ही पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का खुद का सेंट्रो मास तो वो खुद ही होता है सही बात है लेकिन मान लो एलिमेंट आगे जाके कहीं आपको रिंग एलिमेंट लेना पड़ा इस तरीके से एक बड़ा सा एलिमेंट लेना पड़ा रिंग तो ये ऑब्जेक्ट और भी बड़ा होगा जिसका आपको सेंट्रो मास निकालना है आपको जो स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ रहा है वो रिंग लेना पड़ रहा है अब इसमें आप इतना बड़ा आपका डीएम मास है इसमें आप एक्स कॉर्डिनेट किसका लिखोगे किसका एक्स कॉर्डिनेट लिखोगे तो यहाँ पे आप एक्स कॉर्डिनेट लिखोगे ये जो एलिमेंट लिया है हमने इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आई बात समझ में वैसे वाई का मतलब क्या है यहाँ पे जो आप एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट और जेड का मतलब क्या है जो आप एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट ठीक मैं आपको बताऊंगा कि यूज कैसे करेंगे बट ये फॉर्मूला रहेगा ये तरीका रहेगा कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस रॉड पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब यहाँ पे जो रॉड है उसका मतलब ये रॉड पर मास एक समान रूप से वितरित है मतलब ऐसा नहीं कि रॉड कहीं से मोटी है कहीं से पतली है कहीं से ज्यादा मोटी हो गई yes, है कहीं से पतली हो गई इसका मतलब यूनिफॉर्म रॉड मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका आंसर तो आपको पता है

और लेंथ आपको एल दे दी ठीक है यूनिफॉर्म दे दी तो क्या करोगे आप अपनी इच्छा से कहीं पे भी आप अपना ओरिजिन मान लो कि भाई यहां से मैं एलिमेंट लूंगा तो अब रॉड का एलिमेंट कैसे लेते हैं? रॉड का एलिमेंट ऐसे लेता है एक्स पे जाके एक डीएक्स लेंथ का बहुत छोटी सी लेंथ है ये तो ऐसे एक्स लेंथ पे गए अपन यहां से यहां से एक्स लेंथ पे जाके हमने एक बहुत पतली सी डीएक्स लेंथ ये बहुत पतली dx का मतलब बहुत, एक्स तो दूरी दी लगा दिया मतलब बहुत है? और इसका मास कितना आप एलिमेंट मानो तो सबसे पहले तो डीएम निकाल के रख लो क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़नी ही है तो डीएम निकाल लो तो यहाँ पे डीएम कैसे निकालेंगे तो डीएम हमेशा यूनिटरी मेथड से निकाला जाता है या फिर एक और तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा तो जब भी आपको टोटल मास दिया हो और यूनिफॉर्मली रॉड डिस्ट्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो यूनिटरी मेथड क्या है कि अगर एल लेंथ का मास है एम तो डीएक्स लेंथ का मास होगा ठीक है इस तरीके से अब जैसा कि हमें इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रॉड इस तरीके से है तो सेंट्रोमास यहीं कहीं आएगा मतलब वाय में तो नहीं जाएगा तो मतलब इसमें केवल हमें अच्छा आप चाहो तो x और y मान लो अभी आप नए हो ना तो मान लो कि ये तो है x लेंथ x एक्सिस और ये है y एक्सिस ठीक तो ये तो हो गया 0,0 ये हो गया l,0 ठीक है और जो हमने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए x,0 क्योंकि x एक्सिस पे ना x डिस्टेंस पे x,0 तो अब निकालते हैं हम सबसे पहले x सेंटर ऑफ मास

x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट तो एलिमेंट यहाँ पे क्या है यहाँ पे एलिमेंट है हमारा पॉइंट मास एलिमेंट की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट क्या है तो यहाँ यूनिफॉर्म रॉड में या रॉड में एलिमेंट कैसा आता है पॉइंट मास का एलिमेंट आता है कैसे पता लगा अरे देख के पता लग रहा है ऐसे पतली सी रॉड है इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमने लिया बहुत पतली सी लेंथ का तो क्या होगा पॉइंट मास ही होगा तो पॉइंट मास का सेंटर मास तो वो खुद ही होता है तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का वो एक्स ही आ जाएगा वो एक्स ही है तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन एल इंटू डी एक्स डीएम का मतलब यही है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या है टोटल मास और टोटल मास तो कितना है एम ही है खैर अब इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने से पहले लिमिट और लगानी है बस एक चीज और लिमिट देखो या, लिमिट किसकी लगेगी एक्स पे लिमिट लगेगी भाई डीएक्स के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट भी एक्स की लगेगी तो तब तो पहला एलिमेंट पे पे आएगा बराबर जो पहला एलिमेंट आएगा वहां पे ये एक्स डिस्टेंस कितनी आएगी जीरो और ये जो आखिरी एलिमेंट आएगा आखिरी एलिमेंट में ये डिस्टेंस एक्स कितनी आएगी एल <लुँँँगी> तो बेसिकली जो एलिमेंट की लिमिट होगी वो होगी जीरो से एल जीरो से एल बस ये काम हो गया अब तो मैथमेटिक्स का काम बचा है इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल दो एम अपॉन एल बाहर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से एल लिमिट डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एम अपॉन एल बाहर निकाल दो क्योंकि कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल इस तरीके से फिर इंटीग्रेट किया एम अपॉन एल से तो एम अपन एन कट गया है ना और

एल बाई टू आ गया आना भी चाहिए था एल बाई टू भाई ये क्या आ गया आपका फाइनली एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर एल बाई टू मतलब जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा जहां पे भी आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें क्या मिल गया एल वाई टू अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे वाई सी यू करके इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो यहाँ पे वाई क्या डालोगे जीरो

ऐसे ही अभी रिंग आएगी डिस्क आएगी स्फेयर आएगा तरह तरह की चीजें आएंगी तो इसलिए आपको बताया कि कैसे करना है आई बात समझ में